दोस्तों वेलकम टू एम ए टी वी स्टूडियोज़। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि भाई थर्सडे को प्रोग्राम होता था, आज वेंसडे को कैसे हो गया। जैसे मैंने अपनी फेसबुक पर भी लिखा था कि भाई एक्सेप्शनली आज वेंसडे को प्रोग्राम है 9:30 to 10:30, बट इन फ्यूचर इट विल बी ऑन थर्सडे फ्रॉम 9:30 to 10:30। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है कभी अंग्रेज़ी में होता है, पंजाबी में होता है, हिंदी में होता है, उर्दू में होता है, कभी गुजराती भी हो जाता है। आज का जो प्रोग्राम है वो हिंदी में है क्योंकि हमारे पास बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया हिंदी की कवित्री हमारे साथ हैं, जय वर्मा जी फ्रॉम नॉटिंघम। जय वर्मा जी, शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव पर्सन एक्चुअली इन दिस फील्ड। हिंदी के लिए बहुत कुछ करती हैं। हम बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना समझ कैसे निकालती हैं। शी इज़ मैरिड टू ए डॉक्टर, और डॉक्टर लोग जो हैं वो आपको पता है कितने वैल्यूएबल होते हैं, और इनकी सपोर्ट डॉक्टर साहब को है, डॉक्टर साहब इनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे इनकी जो जो शादी की जो गाड़ी है वो आगे आगे चलती रहती है और कम्युनिटी के लिए बहुत काम करती हैं। जया जी, एक्चुअली शी इज़ चेयरपर्सन ऑफ काव्य रंग। काव्य रंग एक संस्था है जो हिंदी को प्रमोट करता है, उसकी जो चेयरपर्सन है, और बोर्ड ऑफ मेंबर है नॉटिंघम एशियन आर्ट्स काउंसिल नॉटिंघम, एंड एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नॉटिंघम एशियन आर्ट्स काउंसिल शी वाज देयर फ्रॉम 2008 to 2010, यानी कि 28 से लेकर 2010 तक। देन शी वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रवासी टाइम्स एंड बीबीसी पर रह चुकी हैं, जे प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं। सो शी इज़ वेरी मच फेमिलियर विद ब्रॉडकास्टिंग एटिकेट्स जो होते हैं, ब्रॉडकास्टर की जो जिम्मेवारियाँ होती हैं उसके बारे में भी ये खूब अच्छी तरह से जानती हैं। शी आल्सो सर्व्ड ऑन कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी नॉटिंघम। बहुत लंबा चौड़ा इनका जो जो गतिविधियाँ हैं वो हैं, और इनसे वो बात करेंगे। पहले इनका स्वागत कर लें। जय वर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। खैर मकदम है जयानू, थोड़ी पंजाबी भी हो जानी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं थैंक यू स्पेशली करना चाहता हूँ कि मैंने आपसे विनती की, आपने मान ली, फिर इतनी दूर से आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जो स्टूडियो है, आपकी खूबसूरत जो साड़ी है, उसके जो कलर के कॉन्ट्रास्ट हैं, इससे हमारा जो स्टूडियो और भी रंगीन हो गया। ये तो भारत की सबसे अच्छी खूबी है, ये हमारी खासियत है, क्योंकि इतने रंग हैं भारत में, इतने कलर्स हैं, इतनी कविताएं हैं, इसीलिए कविताएं बनती हैं सभी। सही, जो सुंदरता है, जो नेचर है, जो कलर्स हैं हमारे, और वो खूबी जो है वो हमारे साथ साथ चलती है। आपने जाते हैं जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली जो यहाँ से लोग इंडिया जाते हैं, जो फॉरेनर होते हैं वहाँ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने जो कलर्स देखे वहाँ, उनकी हमें बहुत हमें अचंभा हुआ कि इतने ज़्यादा डिफरेंट कलर्स हैं जी। अच्छा, तो आप इस कंट्री में आए 1971, दैट्स क्वाइट ए लॉन्ग टाइम अगो। 1971 से लेकर अब 2016, बहुत सी चीज़ें इस कंट्री में तब्दील हो चुकी हैं, बहुत बदल चुके हैं। जब मैं आई थी यहाँ 1971 में, तब तो यहाँ कोई हिंदी बोलने वाले भी नहीं मिलते थे हमें। हम हिंदी की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाते थे, इतना होता था कि कोई हिंदी तो बोले, कोई बात तो करे। घर में हम लोग हिंदी बोलते थे, लेकिन बाहर सभी डॉक्टर, सभी अपने पड़ोसी, सभी लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। तो मैं बहुत दुखी होती थी इस बात को लेकर के। और हम लोग, क्योंकि उस समय ना टेलीफोन होते थे, ना ईमेल होती थी, ना मोबाइल फोन्स थे, ना कंप्यूटर्स थे, तो घर में भी बात नहीं कर सकते थे, तो हिंदी सुनने के लिए कान तरसते थे उन दिनों। सम टाइम आई फील एनवियस एक्चुअली, जो लोग अब आते हैं उनको बना बनाया सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल, गुड लक टू देम वैसे तो, लेकिन हमारी जो स्ट्रगल थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि आप 71 में आए, आई केम इन 62, तो तब तो और भी मतलब एक डिफरेंट किस्म की जिंदगी थी। तो जब आप इस कंट्री में आए तो आपके पति देव डॉक्टर साहब वो ज़्यादा तो नौकरी करने जहाँ आए थे, जब पढ़ने आए थे, क्या करने थे? ये नौकरी करने के लिए आए थे, क्योंकि जैसे ही इन्होंने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया ऑर्थोपेडिक्स में, ये वहाँ उनको लेक्चरर की जॉब मिल गई थी मेरठ में। लेकिन इन्होंने फिर यहाँ पर NHS बंद हो रहा था उन दिनों पर, 71 की बात थी ये, और आपको याद होगा तब यहाँ पोस्ट ऑफिस की स्ट्राइक भी चल रही थी। जी बिल्कुल। तो ये तब आए यहाँ पर, तो आने के बाद में ये लेटर लिख करके भेजते। उन दिनों हमारा कोई और कॉन्टैक्ट इनके साथ नहीं हो पाता था, केवल पत्रों के द्वारा होता था। तो जैसे ये लेटर भेजते, हम लोग को मिलते नहीं थे, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक चल रही थी। तो जो भी कोई डॉक्टर काम करने आता हॉलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, या कभी यूरोपियन कंट्री से या अरब से,
तो ये लेटर उनको दे देते, तो हम लोग घर में सब लोग बड़ा चिंतित होते थे कि भाई ये लेटर्स इस जगह से क्यों आ रहे हैं, इंग्लैंड से तो कोई लेटर आ ही नहीं रहा। तो हम लोग को बहुत देर लगी समझने में कि ये डर्बी में आके सेटल हो गए थे और इनको अच्छी जॉब मिली थी, बहुत अच्छी जॉब थी इनकी हैंड सर्जरी में। तो फिर उसके 8-9 महीने के बाद मैं आई फिर, क्योंकि जब इस देश में उस दफे लोग आते थे जी, जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हम तरसते थे कि भी कोई हिंदी बोलने वाला, हिंदी पढ़ने वाला हमें मिले, हिंदी में हम बात करें जी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप हिंदी से जुड़े रहे जी, आपने क्या क्या किया, आते क्या आपने सोचा कि भाई हिंदी को प्रमोट करना चाहिए, हाउ आई कैन डू इट? बस पहली बात तो ये थी कि हिंदी से प्यार था और हिंदी से प्यार है कि जहाँ मैं चली हिंदी चली, हिंदी मेरे साथ साथ चली। तो हिंदी हम लोग घर में बात करते थे और जो हमारे दोस्त आते थे हम सबसे हिंदी में बात करते थे। तो जो दूसरे अपने जैसे महाराष्ट्र के या दूसरे पंजाब के या गुजरात के लोग होते थे, दूसरे डॉक्टर्स होते थे, तो वो लोग कई बार कहते थे कि अरे हमें समझ पूरा नहीं आया, तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में बता दिया, थोड़ा सा हिंदी में बता दिया, तो हम हिंदी में बोलते थे। तो आपने हिंदी में जो पढ़ाने का काम किया, क्योंकि आई वॉज लुकिंग एट दिस, ये जो मैं कैमरे को दिखा दूं कि ये जो किताब है ऐसे जे आपने अपने हाथ से जो लिखा और इसमें बच्चों के इंटरेस्ट की बातें की, तो इस ये जो ऐसी किताबें हैं इंग्लिश में तो मिलती हैं लेकिन हिंदी में नहीं मिलती, अब भी मतलब बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस दफे तो बिल्कुल नहीं मिलती। हाँ, जब मैं नॉटिंघम आई 76 की बात थी जी, तो यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले 5 साल तो कुछ भी हम लोग को हिंदी का कुछ भी मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही नॉटिंघम आई मैं इतनी खुश हुई जा करके। नॉटिंघम बड़ा अच्छा शहर है, लॉर्ड बायरन का शहर है और अपनी भारतीय संस्कृति का शहर और डीएच लॉरेंस का शहर है और साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति का बड़ा अच्छा वहाँ पर मिक्सचर है हमारे यहाँ। कि नॉटिंघम के जो लोग हैं बड़े कल्चर्ड लोग हैं, अपने जो इंडियंस हैं अपनी मातृभाषा को उन्होंने बचा के रखा हुआ है वहाँ पर, चाहे हिंदी पंजाबी उर्दू सभी भाषाओं को। और हिंदी का वहाँ स्कूल था ये कला निकेतन, तो उसमें मैं बच्चों को लेकर के गई वहाँ पर, और तभी उस दिन वहाँ पर टीचर ने मुझे कहा कि तुम बच्चों के साथ रुक जाओ। जब उन्होंने देखा कि मैं हिंदी में बोलती हूँ और बच्चों को हिंदी सिखा भी सकती हूँ, तो मुझे कहा गया कि तुम भी हिंदी पढ़ाना शुरू करो। तो ऐसे में बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगी, बहुत खूब। लेकिन हमारे पास मेटेरियल नहीं होता था हिंदी का पढ़ाने का। तो उन दिनों क्या था कि जब अगर हम इंडिया से मेटेरियल मंगवाते हैं, वो आज भी है स्थिति वैसे तो वहाँ का मेटेरियल बहुत डिफरेंट होता है। हिंदी के जो सिलेबस है उसमें एक रूपता नहीं है, ये एक जैसा नहीं है सब जगह। तो इसमें क्या होता था कि हिंदी का जब हम लोग पढ़ाते थे बच्चों को, तो कैसे पढ़ाएं, तो सभी टीचर्स लिख करके लाती थी। और जो हमारी हेड है हिंदी की वो बहुत एक्टिव है, आपने नाम भी सुना होगा उनका, मिसेज महिंद्रा जी। तो वो काफ़ी काम करती हैं, आज भी वो हिंदी पढ़ा रही हैं देखें। तो उनका क्या हुआ कि वो कहती थी कि अपने आप सब लोग तैयार करो मेटेरियल अपना। तो जब लोग हिंदी लिखते थे तो कहानियाँ जो भी हमें याद आती थी वो लिख देते थे। तो इसीलिए कहानी है कछुआ और खरगोश। तो हम लोगों ने वहाँ टीचर्स का हमारे ग्रुप बना और उस ग्रुप में हम लोगों ने सामूहिक रूप में मतलब मिल करके सब लोगों ने ये कहानियाँ लिखी। और जैसे कि ये कहानियाँ जो हैं, जैसे आपने हम पहले बात कर रहे थे, ये कहानियाँ दरअसल अंग्रेजी की हैं और इसको इसको हिंदी रंग दिया गया। हाँ जी, ये वाली जो कहानियाँ हैं जैसे कि मैं और मेरा परिवार, ये कहानी है जैसे, और ये है इसमें उषा और पवन की फार्म पर सैर। तो ये इंग्लिश की किताबें थी, ये इंग्लिश की किताबों को हमने इंडियनाइज किया। इसको हम लोग मैं और मेरा परिवार, इसमें माता पिता बहन भाई सब दिखाए इसके अंदर। जैसे मीरा की शादी, ये थी एलिसन्स वेडिंग। अब एलिसन्स वेडिंग को हमने इसमें मीरा की शादी बनाया और उसको इंडियन कपड़े बनाए और मीरा की सब ज्वेलरी जो कि एक ब्राइड की होती है, जो दुल्हन की होती है, वो सब बनाई। तो इस तरह से करके इनको इस तरह से बेसिकली, क्योंकि हमारी जो जबाने हैं, पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली, जो भी ऐसी जबाने हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में ये आती है कि उनके पास पैसे नहीं होते। और जो आर्ट काउंसिल है, आपकी जो आर्ट काउंसिल है नॉटिंघम की, मैं देखता हूँ कि दे फंडेड यू, बिकॉज दे फंडेड यू दैट सो यू वर एनकरेज टू डू मोर इन हिंदी। तो अब भी वो फंड्स आपको मुहैया करते हैं या नहीं करते हैं? आजकल तो देखिए सब जगह फंडिंग जो है खत्म होती जा रही है, कट किए गए हैं, चाहे आर्ट काउंसिल हो, चाहे स्कूल्स हों, चाहे काउंसिल हो, नॉटिंघम काउंटी हो या सिटी हो। उस टाइम पर 88 की बात है, 80s की है, तो मदर टंग के ऊपर बहुत जोर दिया गया था। तो मदर टंग प्रोजेक्ट में उन लोगों ने हमें ये किताबें लिखने के लिए कही थी। तो तब हम लोगों ने एक ग्रुप बना हमारा 7 टीचर्स का, तो उसमें हम लोगों ने मिल करके ये काम किया।
I admire your enthusiasm. लेकिन एक सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है भाई, आपने शुरू तो कर दिया, हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी, पंजाबी पढ़ानी शुरू कर दी, बट इज देयर इसका जो जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो कैसा है? हमारे जो बच्चे हैं वो तो हमारी ज़बानें जो है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने, क्योंकि हिंदी तो ये है कि पढ़ानी बहुत अच्छी बात है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहिए हम लोगों को, और हिंदी को ये कि ग्रास रूट से ही सिखाना चाहिए। कि अगर पेरेंट्स घर में हिंदी नहीं बोल पाएंगे या नहीं बोलेंगे तो उससे बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। और हिंदी के लिए ये कि शुरू से ही बोलना होगा। लेकिन ये बात भारत में भी हो रही है, ये यहाँ की बात नहीं है। वहाँ भी बच्चे इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाते हैं। और यहाँ पर जो ब्रिटेन में मैं देख रही हूँ कि हिंदी के स्कूल चल रहे हैं बड़े बड़े शहरों में हैं, लेकिन वो कम्युनिटी गुरुद्वारे या फिर मंदिर में चलते हैं वो। तो इसके लिए ये क्या, हिंदी का भविष्य तो है। अभी तो जो थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं, आपको यकीन नहीं आएगा, नॉटिंघम हमारे में आपको बता रही हूँ ये, कि जो थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए ला रहे हैं। कुछ लोगों ने तो खुद मिस कर दिया था हिंदी सीखना, लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं। तो वो देख के बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है रियली, कि बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं। That is very good. That is very encouraging. लेकिन हमारे जो, क्योंकि लैंग्वेजेस सभी एक ही हैं, मतलब पंजाबी लोग कहाँ, जहाँ इतनी जनसंख्या उनकी हिंदी वालों की है, बंगाली वालों की, सबकी एक सी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चे तभी सीखते हैं अगर जो पेरेंट्स है दे आर मोटिवेटेड कि उनको वो सिखाया जाए। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे पास टाइम नहीं था, जब पता नहीं क्या बात हो गई कि वी हैड सम काइंड ऑफ गैप इन देयर, और लोग, बहुत से लोग, 90% लोग इसको कंटिन्यू नहीं रख सके। हाँ बिल्कुल, ये हिंदी के साथ होता है, ये पंजाबी के साथ होता है, सब भाषाओं के साथ यही है। क्योंकि क्या है कि मदर टंग तो सीखनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपस में जब घर में बात करते हैं तो बच्चे फिर समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, फिर वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन इसके लिए कंटिन्यूटी करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके बहुत डेडिकेशन चाहिए, और बच्चों का इंटरेस्ट चाहिए, और फिर उनके लिए रोजगार चाहिए, उनके लिए काम चाहिए, नहीं तो फिर हिंदी का फिर लगता है कि भाई पढ़ के क्या करेंगे वो लोग। एग्जैक्टली, दैट इज ऑलवेज, जितने भी यहाँ आते, शिखा आई थी पिछली दफा, तो शिखा ने भी यही कहा कि उसके बच्चे हिंदी बोलते हैं यहाँ। When we went to India, तो वहाँ जब वो हिंदी बोल रहे थे तो वहाँ के जो बच्चे थे वो अंग्रेजी बोल रहे थे, एंड दे वर रियली सरप्राइज्ड। वो कहते हैं, इतने बैकवर्ड कंट्री में आप रहते हो क्या? नहीं, वो क्या होता है कि इंडिया के बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो यहाँ से जो बच्चे गए उनसे इंग्लिश में अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर सकें, उनका मन करता है कि हम भी प्रैक्टिस करें। इट इज नॉट ओनली दैट, एक्चुअली आई डोंट नो इफ द इंटेंशन वाज दैट, आई थिंक द चिल्ड्रन लिविंग इन इंडिया दे थिंक स्पीकिंग इन इंग्लिश समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, और पॉश लैंग्वेज है, यू नो अंग्रेजों की जबान है, दिस एंड दैट, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग, वो एहसास कमतरी होती है बच्चों में। ये कहना कि भाई पॉलिश करने के लिए इनके साथ बोल रहे थे शायद, परहैप्स आई विल नॉट एग्री विद दैट, वो भी बात होगी कुछ लोगों में, लेकिन यहाँ के जो बच्चे जब हिंदी वहाँ जाकर बोलते हैं, यहाँ के बच्चे जो पंजाबी वहाँ जाकर बोलते हैं, तो उनको रिस्पॉन्स जो मिलता है, इवन टू अस If we try to speak in English, Punjabi, वो अंग्रेजी में आवाज़ जवाब देंगे, वो सोचते हैं कि if I am living in England, I must be speaking English all the time. हाँ, देखिए आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इंग्लिश का महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन मदर टंग का महत्व अपनी जगह पर है, और जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनका अलग है, और हिंदी का महत्व अलग है। हिंदी तो मतलब अपने भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी है। इसका ये मतलब बहुत ही दुख की बात है कि अभी राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, जबकि भारत को आज़ाद हुए 67 ईयर्स हो चुके हैं। वो बात बनी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि कुछ ऐसे रोल मॉडल भी होते हैं जो आइकॉनिक फिगर्स होती हैं, अगर वो हिंदी बोलें, फॉर एग्जांपल हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं, वी दे हार्डली स्पीक ए वर्ड ऑफ हिंदी, दे आर वर्किंग इन हिंदी, दे आर एक्टिंग इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी फिल्म्स, बट दे आर ओनली स्पीकिंग इन इंग्लिश, उससे फिर बच्चे ऐसे सोचते हैं। अभी सुना है हमने कि अमिताभ बच्चन मतलब उनमें से एक हैं कि जो हिंदी में स्क्रिप्ट मांगते हैं अपना, बाकी दूसरे लोगों का जो है वो कहते हैं कि हमें रोमन लैंग्वेज में लिख करके दो, जो पढ़ नहीं सकते। तो देखिए ये हालत है, लेकिन हाँ अमिताभ बच्चन जैसे हैं वो अपना हिंदी में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अपने मोदी जी हैं हिंदी में, कितनी सुंदर उन्होंने स्पीच देखे लास्ट ईयर दी, अभी नवंबर के महीने जब यहाँ आए थे, तो जहाँ भी कहीं वो जाते हैं वो हिंदी में ही बोलते हैं, उससे बड़ा एंकरेजमेंट मिलता है
इससे पहले हमारे किसी बड़े नेता ने ऐसे हिंदी में बातें नहीं की थी. डू यू थिंक ही स्पीक्स इन हिंदी बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो गुजराती में बोल सकते थे. चलो, मैंने सुना उनको क्योंकि वेम्बले कॉन्फ्रेंस सेंटर में था. तो जब हम हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम जल्दी दौड़ रहा है, तो आपने कहा कि आप अपने बच्चों से हिंदी बोलती थी और अब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ये बच्ची मैं कैमरे को दिखा दूँ इसकी तस्वीर, तो बड़ी सुंदर बच्ची है, बड़ी अच्छी बच्ची है. मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर, शी इज 8 years old. तो ये हिंदी समझ सकती है? ये हिंदी नहीं समझ सकती, इसलिए अभी कह रही है कि मुझे हिंदी सिखाओ. इसने खुद कहना शुरू किया है, क्योंकि इसके पेरेंट्स हिंदी में बात नहीं करते हैं घर में, क्योंकि फादर इंग्लिश हैं और माँ हिंदी है. तो उसमें अभी इन्होंने अब कहना शुरू किया मुझे हिंदी सिखाओ. तो इसको मैं अगले हफ्ते हिंदी स्कूल लेकर जा रही हूँ. तो ये दोनों मेरे दूसरी ग्रैंड डॉटर्स हैं दोनों. हाँ जी, ये मेरे बेटे की बेटियां हैं दोनों. दो आपके बेटे, इनकी दादी माँ हूँ मैं. हाँ, तो आपकी जो कहानी है, पारिवारिक कहानी, चलो यहाँ रख देते हैं, अच्छा लगता है ना. आपकी जो कहानी है वो सभी जो ग्रैंड पेरेंट्स उस जैसी कहानी है. और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मेरे जो माय सन एंड माय डॉटर इन लॉ, दे मोस्टली स्पीक इन इंग्लिश. तो बच्चे भी साथ इंग्लिश में बोलते हैं, हम भी इंग्लिश में कई बार ज्यादा ही बोलते हैं. तो छोटी जो बच्ची है जया, वो कहती है कि आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी. देखिए कितनी अच्छी बात है. पंजाबी और हिंदी. तो वहाँ एक सियाटल में एक स्कूल है गुरुकुल, जो गुजराती लोग हैं उन्होंने खोला हुआ, तो वहाँ हो जाती है. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. तो और नाम भी इतना अच्छा बताया आपने, जया. उसका नाम जया. आप भी तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जो आपने जो पहले बात की थी कि अगर हिंदी में आप एमए भी कर लेते हो, पंजाबी में कर लेते हो, दूसरी जबानों में करते हो, ये रोजगार के लिए जो जबाने तो है ही नहीं, या इस कंट्री में नहीं है, इंडिया में नहीं है. नहीं देखो, मैं ऐसा क्या, देखो अभी मैं इंडिया काफ़ी जाती हूँ आजकल, क्योंकि जो हिंदी, जो अपने भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कुछ यूनिवर्सिटीज, वो हिंदी को प्रवासी हिंदी साहित्य का जो सब्जेक्ट है वो लगा रही हैं, हिंदी का बच्चों को एमए और बीए करने के लिए एंकरेज कर रही हैं. और कितनी अच्छी बात है कि हम लोग ऐसे उसमें समय में जी रहे हैं. ये बात 20 साल पहले नहीं थी, ये बात 30 साल पहले नहीं थी, लेकिन ये आज के ज़माने में है. जी जी जी, जो विदेशी जो बाहर लोग रहते, डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा बाहर रहता है, हमारे पंजाबी में भी वहाँ एक स्पेशल विभाग है पंजाबी का, जो बाहर के जो विदेशी हैं वो जो साहित्य रचते हैं उनको वहाँ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. दिस इज गुड थिंग. और हिंदी में बहुत अच्छा, हिंदी का भी ऐसे शुरू हुआ है. तो जैसे कि मेरठ यूनिवर्सिटी है, तो उसने सबसे पहले प्रवासी हिंदी साहित्य को बच्चों को एमए के लिए एक सेमेस्टर में से उनको सब्जेक्ट लगाया है. तो उसमें हमारे यहाँ यूके के बहुत सारे राइटर्स उसमें हैं, तो देख के बड़ी खुशी होती है. जैसे उषा राजे है, तेजेंद्र शर्मा है, और दूसरे राइटर्स हैं, दिव्या है, काफी लोग हैं उसमें. तो उन्होंने मेरा इसमें परिचय लगाया, उन्होंने मेरा, तो मेरा परिचय है उसमें, मेरी कोई कविता कहानी नहीं है. और ऐसे फिर अभी इस बार हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बुलाया इसमें जनवरी के महीने में, तो उन्होंने पहली बार प्रवासी हिंदी साहित्य के ऊपर 3 दिन का सेमिनार किया. और उसमें उन्होंने हिंदी प्रवासी साहित्य के बारे में जानना चाहा कि क्या क्या इसमें काम हो सकते हैं. रोजगार की हिंदी में जो आप बात कर रहे थे, उसके बारे में ये कहूँगी कि हिंदी का भविष्य अच्छा है. अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी में सर्विस जरूर मिलेगी आपको. बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी हैं कि जो अच्छी हिंदी वालों को मिलती हैं. आपका डेडिकेशन होना चाहिए रियली, चाहे हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में क्यों आप हो. तो इंडिया जाते रहते हैं, यू नो, वहाँ आप जब देखते हैं, हमने वो एक्टर एक्ट्रेसेस की तो मिसाल दी है हमने, जनरल पब्लिक है, मतलब जो मिडिल क्लास हैं और रिच क्लास जो है, वो दे डोंट वांट टू स्पीक इन हिंदी, दे प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश. ये चीज़ हम देख चुके हैं. और दूसरे जो क्योंकि हम उस तरफ इतना जाना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया का सवाल है, लेकिन यहाँ के वापस हम यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं. तो मैं बहुत से और फील्ड हैं जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ. आप, मैं देखता हूँ कि आप पेंटिंग भी करती हैं, पेंटिंग आपका शौक है, तो ये एक बड़ा बढ़िया शौक है. जो तो आप पेंटिंग किस किस में, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हैं? नेचर के ऊपर करती थी मैं, नेचर या फिर डिजाइन या कोई कला इस तरह की, जैसे अजंता एलोरा की कला होती है, क्योंकि मैंने बीए किया था
पेंटिंग में, ड्राइंग एंड पेंटिंग. हमारे टाइम पर, आजकल तो मुझे नहीं मालूम, पर हमारे समय पर तीन सब्जेक्ट हमें लेने होते थे. तो उस टाइम पर मैंने ये पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स लिया था. ये तीनों सब्जेक्ट्स थे. और वाकई में आज मैं कहती हूँ साथी, तीनों सब्जेक्ट्स मेरे बहुत काम आए. तीनों ही सब्जेक्ट से मैं आज मैं यहाँ हूँ, आपके सामने बैठी हूँ. क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में शो क्या करती थी, घर में पेंटिंग लगी हुई है. उसके बाद पता नहीं कब मैं पोइट्री लिखने लगी, मैं कविताएं लिखने लगी, क्योंकि पोइट्री और पेंटिंग का बहुत नजदीक का रिश्ता है. ये मुझे पहले मालूम नहीं था रियली इतना, लेकिन जब मैं अब देखती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ, तो मालूम पड़ता है कि और लोगों के साथ भी ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि वो पेंटिंग करते थे या पोइट्री लिखने लगे, या पोइट्री लिखते थे वो पेंटिंग करने लगे. तो ऐसा कुछ होता है जैसे आपने कहा. तो मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ. ब्रेक के बाद आपकी जो पोइट्री उसके बारे में बात करेंगे, आपका जो लिटरेचर है उसके बारे में बात करेंगे. दोस्तों आज हमारे साथ हैं, नॉटिंघम से आए हैं. नॉटिंघम आप जानते हैं कि भाई इसको हेरिटेज, इंग्लिश हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है. एक कल्चर्ड सिटी है, बायरन और डीएच लॉरेंस का शहर है, कवियों का शहर है, यूनिवर्सिटी है वहाँ. वहाँ से आई हैं आप, जय वर्मा जी. इनसे, इनके साथ बातचीत हो रही है. छोटी सी ब्रेक लेंगे. दोस्तों वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. थोड़ी देर के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे मेरा ईमेल आईडी. आई शेल बी ग्रेटफुल अगर आप अपना जो रिएक्शन है, इस प्रतिक्रम है जो इस प्रोग्राम का, वो दे सके मुझे. अगर आपको कोई बात अच्छी भी नहीं लगती तब भी मुझे बताइए, क्योंकि वी एंडेवर टू इम्प्रूव आवर प्रोग्राम. बहुत बहुत शुक्रिया. और आज वेंसडे को प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन अमूमन मेरा प्रोग्राम थर्सडे को होता है फ्रॉम 9:30 to 10:30. एंड नेक्स्ट वीक फिर थर्सडे को होगा प्रोग्राम फ्रॉम 9:30 to 10:30. आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में है जय वर्मा जी. हिंदी की बहुत बड़ी कवित्री हैं और समाज के लिए बहुत काम करती हैं, औरतों के जो इश्यूज़ हैं उसके लिए बहुत काम करती हैं. नॉटिंघम में रहती हैं. नॉटिंघम इसे कल्चरल सिटी और इंग्लिश हेरिटेज का, तो यूनेस्को का जो दर्जा इनको मिल चुका है. तो जय जी, सबसे पहले ये कहें कि क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी कवित्री हैं, तो वो आपकी कविता सुनना चाहेंगे. तो हमें एक तो कविताएँ पहला आप सुनाइए पहले. एक कविता है एक पल, सुनाती हूँ. एक पल जी, मोमेंट जो आजकल पल है, जो आपके साथ अब बिता रहे हैं, कितना प्रेशियस है. एक पल के लिए जी लेने दो. एक पल के लिए जी लेने दो. एक पल के लिए जी लेने दो. एक पल ही तो बस अपना है, इस पल को मुझे छू लेने दो. बहुत खूब. एक पल के लिए जी लेने दो. आसमां से टूटते तारे से पूछा कि तुम कहां से आए. तारे ने कहा मैं बहुत दूर से आया हूं, एक लंबा सफर तय कर आया हूं. तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे देखा, बस यही है पल मेरा. अब ना मैं ठहर पाऊंगा, अंतरिक्ष में कहीं खो जाऊंगा, फिर न कभी किसी को याद आऊंगा. बहुत खूब, बहुत खूब. क्या बात है, और हो जाए. अच्छा, जैसे एक सातू, चल निकल चलें. चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से. चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से. कौन जानता है कि राह किधर ले जाए. पार हो जाती है कोसों की दूरी, जिस दिन बस देहरी पार हो जाए. चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से. दर पर पांव रखते ही आ जाती है समझ कि कौन है अपने और कौन पराए. कदमों की आहट देती है तेरे आने की खबर, वरना दिल का हाल हमें कौन बताए. चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से. एक ही दिन में देखे सब मौसम, एक ही दिन में देखे सब मौसम, खुशियां गम और सर्द हवाएं, देख ली रफ्तार जमाने की हमने. देख ली रफ्तार जमाने की हमने, जमी के उस पार अब क्यों जाए. चल निकल चलें तेरे जहां गुलिस्ता से. कौन जानता है कि राह किधर ले जाए. बहुत खूब, बहुत खूब. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छी पोइट्री. और भी सुनते हैं. तो मैं देख रहा था कि आप ना सिर्फ हिंदी जो है उसको प्रमोट करती हैं, आप दूजी जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं वहाँ नॉटिंघम में, फॉर इंस्टेंस गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, उनको भी प्रमोट करती हैं. तो आपकी जो हिम्मत हुई, तो आपने ये किताब जो है
ये एडिट किया जी कलर्स ऑफ पोएट्री। हाँ जी, इसमें color... क्या है कि हमारा जो ग्रुप है काव्य रंग वो मल्टीलिंगुअल है जी, और इसमें जो है ये तीन हम लोग थे इसमें, जो सेक्रेटरी है जुगनू और जो हमारे ट्रेजरर हैं जुगनू महाजन जी और जो ट्रेजरर हैं डॉक्टर दुआ और मैं, तीन लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया था। ये 2003 की बात है और आज ये इसमें 20-22 मेंबर्स हैं जो एक्टिवली लिख ले रहे हैं, और वो लोग चार लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश। तो ये जो था हमारा नोटिंग ऑफ फेस्टिवल ऑफ वर्ड्स का प्रोग्राम था ये, तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने तुम काव्य रंग के मेंबर से मिलवाओ। तो उनको मिलवाने के लिए सभी मेंबर्स ने अपनी अपनी कविता अपनी भाषाओं में पढ़ी और साथ में स्क्रीन के ऊपर इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन आता रहा। वेरी गुड जी। तो मैं देख रहा था कि चंचल सिंह बाबक हुआ करते जी, थे, अब तो बेचारे नहीं है इस दुनिया में, उनकी कविता है, संतोख धालीवाल मेरे दोस्त हैं उनकी कविता पंजाबी की है, तो दूसरे मनोरमा जैन है, मीना सिन्हा है, तो उर्दू के भी राइटर हैं, फरजाना है, करार खान है, हाँ, तो शमीम अहमद है, ये सभी लोग जो हैं डिफरेंट जबानों में लिखते थे, और आपने ये मजमुआ जो है अपने आप में इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। एट द सेम टाइम ये मैं देख रहा था कि भाई खूबसूरत इतना छपी है ये किताब कि पंजाबी में दूसरी जबानों में हमारे पास कहाँ छपती हैं, बड़ी महंगी पड़ती है जी। हाँ अच्छा, तो हाँ जी, तो दूसरे तो आप पेंटिंग की बात हमने कर ली, तो जो योगा है जी मेरी पत्नी योगा करती है, अच्छा। मेरे सदो तालीवाल सभी मेरे दोस्त करते हैं, सभी योगा करते हैं, लेकिन मैं इतना मतलब मेरे पास क्या कहते हैं, मैं हर दफा दौड़ता रहता हूँ जी, नहीं, तो ऐसा है कि योगा की जो अपनी खासियत है, जो मन को एकाग्र करना है, मन तन और आत्मा तीनों को मिलाना है इसमें, तो पहले ही योगा करती थी मैं, आजकल मैं कम करती हूँ क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलती रही हूँ और बैडमिंटन सिखाती रही हूँ। 12 साल तक मैंने एडल्ट एजुकेशन में बैडमिंटन सिखाया, फिर उसके बाद टेनिस खेलने लगी, तो टेनिस की कुछ ट्रॉफी जीती अपने क्लब में, फिर उसके बाद में गोल्फ खेलने लगी। क्या बात है। तो मैं करीब 24 सालों से गोल्फ खेलती हूँ, तो गोल्फ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गोल्फ में ये है कि आपकी वर्जिश भी हो जाती है, साथ साथ आपको फ्रेश एयर भी मिलती है, और जो आपने बात की ना दौड़ने की वो घूमना फिरना भी हो जाता है। तो आप देखो आपकी किसी भी लॉट ऑफ वर्सेटिलिटी इन योर लाइफ, दो यू अप्रिशिएट क्लासिकल म्यूजिक, वो तो मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, और क्लासिकल म्यूजिक पिछली दफा कुछ प्रोग्राम भी हमने अटेंड किए, आप भी वहाँ करती रहती हैं, तो आप गा भी लेती हैं? नहीं, मैं गाती नहीं हूँ, एक ये टैलेंट मुझे नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता, सुनना बड़ा अच्छा लगता, लेकिन तो इसीलिए जो हमारे पोएट्री के ग्रुप के लोग हैं, कई लोग बहुत टैलेंटेड हैं, रियली बहुत, उनको कविताएं तो लिखते ही हैं, रचयिता हैं ही वो, लेकिन साथ साथ वो सिंगर भी हैं। तो हमारे ग्रुप में यही होता है कि पहले हम लोग एक राउंड करते हैं अपना कविताओं का, जो आपको आज जरूर आएगा। साल में 4 मीटिंग्स होती है हमारी, और ये घर में ही होती है मीटिंग, तो बड़ी फ्रेंडली होती है, आप उसमें आइएगा जी। तो मैं देख रहा था कि आप वर्सेटिलिटी जो है उसके बारे में हम बात करें, आप स्विमिंग भी करते रहे हैं, जो करते हैं मुझे पता नहीं है, तो वेजिटेरियन कुकिंग जो है मुझे याद है कि इन 1987-88 वी वेंट टू कनाडा, वहाँ हम इमिग्रेशन हमारे पास थी, तो हम बिजनेस देख रहे थे, तो मेरी पत्नी वेजिटेरियन है, वी फाउंड ह्यूज डिफिकल्टी इन गेटिंग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, और अब भी यूरोप में ऐसे है, लेकिन पहले से बहुत सिचुएशन ठीक हो गई है, बहुत अच्छा हो गया पहले से। तो आप पहले से वेजिटेरियन? जी, मैं बचपन से ही, हमेशा से, मतलब जन्म से। डॉक्टर साहब भी? डॉक्टर साहब मेरे साथ साथ देते हैं मेरा, ये वेजिटेरियन बन गए हैं। बन गए जी, 36 सालों से इन्होंने ये वेजिटेरियन। मेरी का नाम महात्मा गांधी कुछ भी कहते हैं, बहुत साथ देते हैं, बहुत चीजें साथ देते हैं, इसमें भी देते हैं, बट यू पुट इट वेरी नाइसली एक्चुअली, मेरा साथ देते हैं, क्या करें वो। और साथ में दोनों बच्चे हमारे जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। अच्छा अच्छा, वो आज भी वेजिटेरियन हैं बच्चे भी हमारे। तो वेजिटेरियन जो कुकिंग है, इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर जी, बहुत हो रहा है आजकल। हाँ, और आजकल ये कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी बहुत खुल गए हैं, अब कोई दिक्कत इतनी नहीं होती है, पर हाँ शुरू में जब हम लोग आए थे तो परेशानियां होती थी उन दिनों पर, क्योंकि मैं एग भी नहीं खाती हूँ, तो एग ना खाने की वजह से मैं केक वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए और ज़्यादा मुश्किल आती है। आप क्योंकि 1971 में आए, और मेरी पत्नी आई केम इन 62, शी केम इन 66,
तो कई दफा जो गोरे थे उस दफा कह देते थे कि जीती कैसे हो। हाँ जी। तो आप अब बता रहे हो कि भाई एग भी नहीं खाती हैं आप। चलो आज तो सब कुछ खाते हैं लोग। तो मैं देख रहा था कि आप एडवाइजर रहे हैं जो हैं संस्कृति यूके। अपना जो सभ्याचार है संस्कृति है जी। आप संस्कृत भी पढ़ी है आपने? नहीं, संस्कृत मैंने, हाँ मैंने इंटर तक संस्कृत पढ़ी है। इंटर तक मेरे पास थी, लेकिन होता क्या है असल में ये सब चीजें काम आती हैं जीवन में। जब आप देखो कि मैथमेटिक्स, पहले हम सोचते थे कि कहाँ काम आता है, पर सब जगह काम आता है। डे टू डे की लाइफ में सारी साइंस काम आती है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वही काम आएगा आपके। लेकिन संस्कृत इज लाइक लेटिन जी, कि लेटिन लैंग्वेज इट्स अ डेड लैंग्वेज जी। बस वही के मंत्रों वगैरह में काम आती है, पूजा में काम आती है, और ये मतलब अपने हिंदुइज्म की जो बातें हैं पढ़ने के लिए काम आती है, लेकिन प्रैक्टिस कम हो जाती है जब आप पढ़ते नहीं हो उसको, बोलते नहीं हो, तो प्रैक्टिस कम हो जाती है। क्योंकि वुड यू बिलीव कि मेरे पास, मैंने ऑनर्स इन पंजाबी की है। अच्छा, बहुत और ऑनर्स इन पंजाबी में मेरा जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो संस्कृत थी जी, क्योंकि मैं हिंदी खूब पढ़ लिख लेता था, उसके साथ मैंने संस्कृत ली। अच्छा। लेकिन मैं उसको कंटिन्यू रख सका, जैसे जैसे उर्दू में भी, उर्दू भी मैंने पढ़ी है, लेकिन उर्दू को इफ यू डोंट कंटिन्यू विद लैंग्वेज वो आहिस्ता आहिस्ता आपको भूल जाती है। बिल्कुल बात है। तो इसमें ये होता है असल में इन सब चीजों का ना, कि जो काम आप करते रहेंगे वही आपके साथ रहेंगे, और ऐसे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस बदलते हैं, अनुभव ज्यादा होते हैं, फिर आप उसी तरह से आपकी बातें बदलने लगती हैं, और आप नए नए काम करते हैं, और इस कंट्री में आकर तो कोई भी हॉबी आप ले सकते हैं यहाँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लैंड में आकर सबसे बड़ा फायदा मुझे यही हुआ इस बात का कि सारी हॉबी जितनी मुझे पसंद थी, बैडमिंटन खेलना, दैट इज वेरी गुड क्योंकि जितनी भी हॉबीज आपकी हैं आउटडोर हॉबीज हैं, फॉर एग्जांपल आउटडोर तो नहीं जानी एक्सरसाइज वाली है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग है, गोल्फ तो है ही आउटसाइड जाने की बात। और वैसे भी आपके जो नॉटिंघम में, क्योंकि जब मैं जाता हूँ मैं संतोष जी के साथ बाहर पार्कों में चले जाते हैं, नॉटिंघम बहुत सुंदर जगह है, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन इटसेल्फ। बिल्कुल, हाँ जी, डीएच लॉरेंस का शहर है जैसा आपने कहा, लॉर्ड बायरन का है, और ये को सिटी ऑफ लिटरेचर का भी स्टेटस मिला है अभी 11 दिसंबर को, क्योंकि आपके बहुत दूर नहीं है शेक्सपियर का जो घर है। सबसे पहले देखो, जब मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ कि जब हम इंडिया से आए थे उससे पहले हम सोचते थे कि जब वहाँ जाएंगे हम तो शैले का स्काई लार्क हम देखेंगे, वे शेक्सपियर के घर देखेंगे, वर्ड्सवर्थ के फूल होंगे, डेफोडिल्स एंड ऑल दैट। लेकिन जब हमने यहाँ आए तो हमने देखा कि भाई रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें ऐसी चीजें नहीं आती जो लिटरेचर का काम होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यू मस्ट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स के जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर इज मोर पॉपुलर इन इंडिया राधा दन ही है जी, क्योंकि हमारे लिटरेचर में वो शामिल है जी। बिल्कुल, ऐसे लॉर्ड बायरन का है, लॉर्ड बायरन को इंडिया में बहुत प्यार करते हैं लोग, क्योंकि उनकी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, लोग उनके ऊपर एमए कर रहे हैं, उनके ऊपर लिटरेचर के ऊपर अपने पीएचडी कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है देख करके इंडिया का, और इसका इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपस में एक मेल है, एक कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए संस्कृति भी हम लोग एक दूसरे की पहचानते हैं। जब मैंने बीए में लिटरेचर था मेरे पास, एक बार मैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ रही थी, लेकिन इसके हमारे कोर्स में लगी थी, तो उसमें आया कि पाई, उसमें था कि बच्चे ने पाई की चोरी कर ली कबड़ में से, तो मेरे समझ में नहीं आया पाई क्या चीज हो सकती है, ये वर्ड कभी सुना नहीं था। आजकल के सारे बच्चे इंडिया में जानते हैं पाई क्या होती है और खाना क्या होता है, लेकिन हमारे टाइम पे हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला था, ना टेलीविजन होता था ना रेडियो होता था उन दिनों पर। तो देखिए जी, आप कुछ सुनाइए कविता कोई। हाँ देखिए, ताजो। अच्छा, तो रिश्ते के बारे में जैसे ये रिश्ते जो होते रिश्ते हैं, जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में सुनाती हूँ। अच्छा, आपको जी, जी, जी। कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, क्या क्या रंग दिखाते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, पेड़ों के पत्तों से छनती हुई धूप जैसे, और कभी बरसात में निखरे हुए रूप जैसे, हरियाली के रंग दिखाते हैं रिश्ते, छुई मुई से नाजुक होते हैं रिश्ते, ले जाते हैं दूर गगन में ये गुनगुनाते रिश्ते, जमी भी अपनी आसमां भी अपना, क्या खूब सपने दिखाते हैं रिश्ते, कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते, उगता है नया सूरज हर नए रिश्ते के साथ, उगता है नया सूरज नए रिश्ते के साथ, महकता है मौसम रिश्तों के नाम, तमन्नाओं को जिंदा रखते हैं रिश्ते, मन को तड़पाते और कभी
बहलाते हैं रिश्ते, सही। कैसे अनोखे होते हैं रिश्ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप इस देश में इतनी मुद्दत से रह रहे हैं, यहाँ के बारे में कोई कविता लिखी है आपने? हाँ जी, यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यहाँ रहते हैं तो ये देखे नेचर सब जगह एक है। आप कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, जो वहाँ की कल्चर वो तो आपके ऊपर असर छोड़ती है जो आप अपने आसपास देखते हैं, लेकिन जो नेचर होती है वो एक जैसी होती है। जैसे कि आसमां के रंग बदलते हैं क्यों, आसमां के ये रंग बदलते हैं क्यों, कहकशा इतनी दूर होते हैं क्यों, आसमां के ये रंग बदलते हैं क्यों। चाहे भारत में रहें आप या यहाँ रहें, जमी तो घूमती है सूरज के चारों ओर, चांद भी चक्कर काटे धरा की ओर, अंधेरा बस अच्छा लगता है सितारों के वास्ते, वरना घूप अंधेरों में कायनात के क्या वास्ते। खुद बे खुद खींच लेगी चाहत मेरी, कशिश है जैसे धरा में भरी, चांद को भी रात में खो जाने दो, सुबह की सुनहरे रंग बिखर जाने दो, परछाइयां भी अब तो बढ़ने लगी, तन्हाइयां भी इंतहा होने लगी, इल्म नहीं है तुम्हें मेरे इंतजार का, शुरू हो गया सिलसिला प्यार का। बहुत खूब। मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कंट्री, दिस एनवायरनमेंट, इसमें सारी चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। आप वतन से भी दूर हैं, अपनी लैंग्वेज आपने बात की है, फिर भी यहाँ का जो माहौल है इसका, इसको आपने ग्रहण किया होगा, इसका प्रभाव आप पर होगा, तो आपने कोई ऐसी नज़म लिखी? हाँ, तो जैसे कि आजकल का जमाना है, जो आजकल परेशानियां चल रही हैं दुनिया में, कितने वॉर हो रहे हैं, क्या एटमॉस्फेयर चल रहा है, उसके बारे में सुनाऊं आपको? ये बगावत ये दूरियां कहाँ से आ गई, ये बगावत ये दूरियां कहाँ से आ गई, वादियां हैं खूबसूरत तबाहियां कहाँ से आ गई। वाह वाह। आए थे कभी हम ले कारवा चमन में, जी रहे थे मिलकर जुदाइयां कहाँ से आ गई, हम तो यूं ही चलते रहे तेरे जहां में, हम तो यूं ही चलते रहे तेरे जहां में, अच्छाइयां थी हम में बुराइयां कहां से आ गई, लेकर चले थे निशानियां हम आगोश में, तोर तरीकों में ये परछाइयां कहां से आ गई। बहुत खूब। सुलग रही हैं सब और रिश्तों में चिंगारियां, अमन चैन के बजाय बर्बादियां कहां से आ गई, दास्तां सुनाते रहे तुम्हें अपना समझकर, न जाने हमारे बीच तन्हाइयां कहां से आ गई। आखिर में ए खुदा ए मौला मेरे किसको पुकारूं मैं, खामोश अंधेरों में सिसकियां कहां से आ गई। बहुत खूब। ये बगावत ये दूरियां कहां से आ गई, वादियां हैं खूबसूरत तबाहियां कहां से आ गई। बहुत खूब, बहुत खूब। आप मेरठ में पैदा हुई, वहां से चली यहां आ गई, तो ये जो सफर है, सफर वो SUFFER वाला नहीं वो भी जिंदगी में सफर चलता है, जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ सफर भी होता है। मैं यही पूछने वाला था कि सफर के साथ सफर भी किया आपने? जी बिल्कुल, सब कुछ नहीं तो जिंदगी का सब रूप देखने को नहीं मिलेंगे आपको। पहले आपको किस किस्म की परेशानी, आपने हिंदी के बारे में तो बता दिया, ये था कि घर वालों को हम याद करते हैं, हम रिश्तों को याद करते हैं, जो यहाँ के रंग थे अपने भारत के उनको याद करते थे, क्योंकि उन दिनों में 70s में आपको याद ही होगा, क्योंकि यहाँ लोग 4-5 कलर्स पहनते थे बस, एक नेवी, एक ब्राउन, एक सफेद और कभी कभी और ग्रे, और साथ में कभी कभी लाल कोई कपड़ा पहन लेता था। और आज तो खैर सभी रंग इंग्लैंड के अंदर है, अब तो सब भारत के रंग यहाँ आ गए हैं, तो ये भी इंद्रधनुष बन गया। जो जो लेडीज होती हैं जी उनको बहुत चॉइस होती है, डिफरेंट किस्म की साड़ियाँ, डिफरेंट किस्म के रंग सूटों के रंग, साड़ियों के रंग, जो मर्द लोग हैं वो बेचारे उनको आप लोग तो फर्क नहीं पड़ता, सूट पहन वो जो सूट है, सूट अगर जहाँ काला होगा या ब्राउन होगा या ब्लू होगा, हाँ जी, तो मैंने इसका तरीका निकाल लिया, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब भी ऐसे करते होंगे कि जो टाइयां है ना वो डिफरेंट किस्म की लगाओ। हाँ जी जी, तो ऐसा होता है ऐसा। हाँ जी, जैसे जमी अगर थम भी जाए तो क्या है, क्योंकि एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है, एक ये दार्शनिकता है लाइफ में ना, जमी अगर थम भी जाए तो क्या है, आसमां अगर झुक भी जाए तो क्या है, दिल में जब तक ना हो मोहब्बत ये जहां मिल भी जाए तो क्या है, तो क्या है जी, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अच्छा, तो आप फिल्में भी देखती होंगी, किस किस्म की फिल्में देखती हो? मैं सभी तरह की फिल्में देखती हूँ,
मुझे सभी फिल्में अच्छी लगती हैं, आर्ट फिल्म भी, सोशल भी. हाँ, दूसरी मूवी में इतना अच्छा नहीं लगता मुझे. कौन सा नहीं अच्छा लगता? जो ये मार पिटाई वाली होती है. अच्छा, मार पिटाई. मार पिटाई की फिल्म जब देखती हूँ तो इनके लिए देखती हूँ. वायलेंस वाली नहीं अच्छी? नहीं जी, मुझे नहीं अच्छी लगती. तो वो जो फिल्में हैं अंग्रेजी में है, फिस्टफुल ऑफ डॉलर्स, द फ्यू डॉलर्स मोर, उसमें तो काफी मार धाड़ है. आजकल तो वो अवॉइड करती हूँ जी, मैं उनको देखने के लिए. अच्छा, तो अंग्रेजी अंग्रेजी फिल्में कौन सी देखती हो? अंग्रेजी फिल्मों का भी यही होता है कि पहले जैसे आए थे हम तो उस समय ट्रू ग्रिट या इस तरह की जो फिल्में आती थी अपना ऐसे, तो देखी हम लोगों ने उस टाइम क्यूरियोसिटी से के लिए कि भाई कैसी है. तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म बहुत अच्छी लगती है. जेम्स बॉन्ड की सभी फिल्में देखी हुई हैं करीब. जो जहाँ की जो तर्ज जिंदगी है जी, जैसे हमने अभी हर मजेस्टी द क्वीन का 90th बर्थडे मनाया. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. एंड ऐसी जो गतिविधियां हैं जो इस देश से बदी हुई है, हम इस देश में रहते हैं. हाँ, we have spent more time in this country than in India, people like you and me and Dr. Saab and my wife. तो how much you think this is your country? This is my country, yes, definitely. अब तो ऐसा हो गया, मैं आपको बताऊं, चाहे हम यहाँ रहें चाहे भारत में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही अपने देश हैं, दोनों ही अपनी कल्चर्स हैं, दोनों ही अपनी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी हो लेकिन या इंग्लिश हो. डोंट यू थिंक कि जो कहते हैं दोनों ही अपने देश हैं जी, ये एक जज्बाती बात है, मतलब मानसिकता से बजी हुई बात है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ये कर्म भूमि है हमारी. जो इंडिया है वहाँ बिकॉज वी आर बोर्न देयर, जन्मभूमि, इसलिए हमारी एसोसिएशन उसके साथ. जी बिल्कुल. लेकिन अगर देखा जाए तो आप इंडिया के जो पॉलिटिक्स है, इंडिया के जो सोशल आदान प्रदान है, व्यवहार है लोगों का, डोंट यू थिंक वी आर फार रिमूव्ड फ्रॉम देम? हाँ, कई बार लगता है कि हम लोग अनफिट हैं उसमें. जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं कई महसूस करती हूँ कि इंडिया आजकल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें वेस्टर्नाइज कल्चर बहुत ज़्यादा हो गई है, वेस्टर्न कल्चर आ गई है बहुत ज़्यादा. और इंडिया में जो लाइफ है वहाँ पर लोगों की, कई बार लगता है बहुत अच्छी लाइफ है, वहाँ काम करने वाले लोग मिलते हैं, दूसरी हेल्प मिलती है, परिवार साथ साथ रहते हैं, तो अच्छा है. लेकिन साथ साथ में फिर वहाँ पर जो जिंदगी बन गई बहुत तेजी से बदल रही है, तो उसमें हमें लगता है कि मैं वहाँ फिट नहीं होती. क्योंकि आपने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से पश्चिम की तरफ जा रहा है, पश्चिमी जो माहौल है उसको अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन वी शुड बी मोर कंफर्टेबल एक्चुअली ओवर देयर बिकॉज वी आर लिविंग इन द वेस्ट. चलो एक दूसरी बहस है, क्योंकि हमारे पास हैं 3-4 मिनट, तो उसमें हम चाहते हैं कि आपकी कुछ नज़में सुना जाए. हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, भारत में जब जाते हैं तो भारत बहुत अच्छा लगता है, इंडिया में जाती रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यहाँ आते तो यही भी मतलब पहले ये अपना देश नहीं लगता था, शुरू से हम आए थे यहाँ पर, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता जैसे यार. लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह से सम अप कर दिया कि आप जाते हैं, लेकिन एज सून एज यू गो देयर आफ्टर फ्यू डेज यू वांट टू कम बैक, और आप देखते हैं कि यू आर, आई डोंट वांट टू यूज अनफिट, लेकिन यू फील अनकंफर्टेबल आफ्टर व्हाइल. इसमें क्या होता है, असल में इंडिया जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक अच्छी बात है, तरक्की बहुत हो रही है. But it depends which direction. जी, वो तरक्की को तरक्की आप कहें या ना कहें ये उसके ऊपर बात है. क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत बढ़ रहा है वहाँ पर, और लैंग्वेज का जैसे आपने कहा कि बच्चे इंग्लिश में बहुत पढ़ रहे हैं आजकल ना, तो चलो. हाँ जी, देखिए दोनों मुल्कों से बहुत प्यार है, दोनों ही से बहुत अच्छा लगता है. देखिए आपको चलो एक में सुनाती हूँ, सागर के बारे में, समुद्र के बारे में. समुद्र सब जगह होता है, उसके बारे में. दिन भर की थकन मिटाने के लिए, दिन भर की थकन मिटाने के लिए सागर जब लेता है अंगड़ाई, शब के अंधेरे में तारों की छाव में लहरें फैलाती हैं अपना दामन. किसी को मिलता है उल्फत का खजाना, किसी को मिलता है उल्फत का खजाना, और किसी के हिस्से में आती है गमे तन्हाई. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. तो ये सागर के बारे तो आप, हाँ चलो, आपकी आपकी चॉइस होगी. और आजकल के क्योंकि मैं कुछ और कहने वाला था. अच्छा, चलो टाइम नहीं है हमारे पास. अच्छा, टाइम की तो हमेशा कभी, मैं तो यकीन नहीं आ रहा कि जल्दी टाइम बीत गया रियली. अब देखिए आजकल का जैसे है ये माहौल यहाँ का, क्या तुम नजर मिला सकोगे जो आजकल ये दुनिया में हो रहा है. इसको नहीं मालूम कि क्यों ऐसा हो रहा है जो हो रहा है ये. क्या तुम नजर मिला सकोगे, क्या तुम शिकवे उठा सकोगे, मुल्क और कौम को बांटने का तर्क इसमें इस बार क्या है, क्या बता सकोगे, क्या तुम नजर मिला सकोगे, क्या तुम शिकवे उठा सकोगे. बहुत खूब, बहुत खूब. ये आपके लिए दो लाइन पढ़ना चाहूंगी आज, में मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छा. अच्छा ये आपके लिए साथी जी. अच्छा, तेरे आपका काम मैं देखती हूँ, आप मेरी तारीफ तो कर रहे हैं कि मैं इतना काम कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत काम कर रहे हैं. आपके बारे में पढ़ा, ये आपके लिए. तेरे सामने है मुबारक की वो इंतहा,
तेरे सामने है मुबारक की वो इंतहा, नजर जाती है जहां तक, बुलंद है आसमां। बहुत खूब। जिस सूरज की किरण से बन जाए उम्मीदें जहां, जिस की सूरज की किरण से बन जाए उम्मीदें जहां, आने वाली दुनिया के लिए बन जाए मिसाले बया। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि शुक्रिया जनाब जो आए आप, हंसे और ज़रा मुस्कुराए आप, तो चांदनी बिखरी हमारे आंगन में, चाँद बन के जब आंगन में आए आप। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का आपको लेके आए। और दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमारे साथ थी जया वर्मा जी, और मैंने बता चुका हूँ कि कितने काम जे करती हैं, इनकी सेहत, इनकी उम्र दराज हो, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक मिलेंगे ऑन थर्सडे एट 9:30 PM, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। धन्यवाद।